अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और राकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म थैंक गॉड रिलीज होने के लिए तैयार है। दिवाली के मौके पर यह फिल्म सिनेमाघरों में आ रही है, लेकिन रिलीज से पहले फिल्म पर खूब बवाल भी हो रहा है। इस फिल्म में अजय देवगन चित्रगुप्त के किरदार में दिखाई देंगे और उनका लुक मॉडर्न होगा। फिल्म की यही चीज एक खास वर्ग को पसंद नहीं आई, जिस वजह से यह फिल्म कानूनी पचड़े में फंस गई। हालांकि इस विवाद से बचने के लिए अब मेकर्स ने रिलीज से महज 3 दिन पहले फिल्म में कई बड़े बदलाव किए हैं। क्या है वो बड़े बदलाव जो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा, आइए जानते हैं वीडियो में। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी थैंक गॉड को 21 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार के दिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से यूए सर्टिफिकेट मिला है। इस दौरान फिल्म में अजय देवगन के किरदार के अलावा 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। फिल्म के ट्रेलर में दर्शकों ने देखा था कि अजय देवगन के किरदार को चित्रगुप्त और उनके साथ एक और एक्टर को यमदूत कहा गया था, जो सिद्धार्थ मल्होत्रा के सारे कर्मों का हिसाब किताब कर रहे हैं। लेकिन अब अजय देवगन के किरदार का नाम बदल दिया गया है। मेकर्स ने चित्रगुप्त का नाम सीजी और यमदूत का नाम वैडी कर दिया है। आपको बता दें कि थैंक गॉड की रिलीज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। फिल्म के मेकर्स पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 21 नवंबर को होगी। वहीं यह फिल्म 25 अक्टूबर से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर लगता है कि यह एक घिसी पिटी कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है और यह फिल्म उतनी अपीलिंग भी नहीं है। अगर धार्मिक मुद्दे की बात इस फिल्म में ना की गई होती तो इसकी चर्चा भी शायद नहीं हो रही होती। इस बात से आप कितना सहमत है हमें कमेंट करके बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। साथ ही फिल्म सर टीवी, OTT और वेब सीरीज से जुड़े ऐसे ही वीडियोज़ को लगातार देखते रहने के लिए बेजोर फिल्म्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। थैंक यू सो मच।